वेलकम टू कुक आस्तास फूड एंड गार्डन। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज अपन पिज़्ज़ा बनाएंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स ये पिज़्ज़ा बेस और उसके साथ साथ ये प्याज काट के मैंने अलग अलग लेयर में निकाल के रखा है। ये कॉर्न, स्वीट कॉर्न है और ये पेपर है, पेपर को पाउडर बना के रखा है और ये चिली फ्लेक्स है और ये आर्गेनो है और ये काला नमक है और ये टमाटो है और ये शेजवानी चटनी है, इसी को बेस में लगाऊंगी। और ये शिमला मिर्च और ये सादा नमक और ये पनीर, इन सारी चीज़ों पर बनाएंगे। ये शेजवानी चटनी है, मैंने पिज़्ज़ा सॉस नहीं लिया है। सो अपन बनाते हैं ये पिज़्ज़ा। बनाने से पहले मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है प्री हीट के लिए। सो अपन बेस में सारी चीज़ें लगाएंगे अपन। अब ये पिज़्ज़ा बेस के अंदर मैं ये शेजवानी इसके सब तरफ ये अच्छे से लगा लेती हूँ। बहुत इजी डिश है पिज़्ज़ा डिश, तो सबसे इजी बोला जाता है क्योंकि ये बेस सिर्फ बनाने का वक्त लगता है। ये तो रेडीमेड भी मिल जाता है बाज़ार में। सो रेडीमेड लेने के बावजूद भी वही टेस्ट मिलेगा अपने को। अपन घर में बेस बनाएंगे तो भी वही टेस्ट मिलेगा। सो अपन ये शेजवानी चटनी सब तरफ मैंने लगा दी है, इसके ऊपर मैं अब पनीर का लेयर बनाऊंगी। अब पनीर को इसके ऊपर घिस के लेयर बनाऊंगी। ये ले लिया है मैंने पनीर और इसको अपन सब तरफ से इसको ऐसे घिस के सब तरफ लगाएंगे और इसका एक लेयर बनाएंगे। अपन अगर बहुत सारा लेयर बनाएंगे तो मोटा और अच्छा बनेगा। अपने को जैसे लेयर चाहिए वैसे अपन इसमें पनीर डाल के अपने को बना लेना चाहिए। ये लेयर मैंने पनीर का बना दिया है। अब इसके ऊपर मैं जो प्याज काट के लेयर में रखा था उस प्याज को मैं इसके ऊपर डालूँगी। ये सिंगल सिंगल लेयर में मैंने निकाल के रखा हुआ है। सो इसको भी निकाल के मैं सब तरफ ऐसे लगा रही हूँ। आपको जो जो वेजिटेबल्स डालना है सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और भी चीज़ें डाल सकते हैं, टमाटो। सो अपने को जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे अपन डाल सकते हैं। इसके अंदर अपन पनीर की पीसेस भी रख सकते हैं। मैंने पहले ही पनीर का लेयर बना दिया है तो इसके वजह से मैंने अब ये प्याज के बाद टमाटर डाल रही हूँ मैं। अब ये टमाटर भी मैं इसको सिर्फ अपने को तो इसके ऊपर सजाने का काम ही होता है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं है क्योंकि बेस तो पहले ही पका हुआ होता है। ज़्यादा अपने को वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ इसके ऊपर चीज़ की पिघलने की देरी चाहिए। ये मैंने शिमला मिर्च डाल दिया है और इसको भी अच्छे से अपन सब तरफ लगा देंगे। लगा के इसके साथ साथ जो स्वीट कॉर्न रखा था उसको भी डाल देंगे और इसके ऊपर अपन जो चीज़ रखा है वो भी डाल देंगे। दैट्स इट। बहुत इजी है पिज़्ज़ा। बस उसकी इंग्रेडिएंट्स अपने को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रखना चाहिए, तो हमेशा अपन पिज़्ज़ा घर में बना के खा सकते हैं। ये कॉर्न इसको भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसके अंदर अपन पनीर की पीसेस भी डाल सकते हैं। मैंने नीचे पनीर डाल दिया है इसलिए मैं अभी ऊपर नहीं डाल रही, तो इसके ऊपर अपन ये सारी कॉर्न्स को फैला दिया मैंने। अब ये सादा नमक है, इसको ऐसे
डालना है। और इसके साथ साथ ये काला नमक भी डाल दिया है मैंने, ये चिली फ्लेक्स ये भी डाल रही हूँ मैं। और ये पेपर पाउडर है ये भी डाल रही हूँ। और ये ऑर्गेनो है ये भी डाल रही हूँ। ये अब मैं चीज़ इसके ऊपर, अब ये अपनी ज़रूरत के अनुसार अपन डाल सकते हैं, ये ज़्यादा डालने से और ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। अब इसको मैंने फिल कर दिया है पिज़्ज़ा बेस को, सारी वेजिटेबल्स डाल के मैंने फिल कर दिया है। इसको लेके चलते हैं जो कढ़ाई गर्म हो रखी है उसके ऊपर रखने के लिए। अब इसको स्टैंड के ऊपर रख देंगे और फिक्स करके इसको ढक के रख देंगे। ये देखो मैंने इस स्टैंड के ऊपर फिक्स करके रख दिया है, कढ़ाई पहले ही गर्म हो चुकी है। तो बस अपने को इसके ऊपर ऐसे कोई भी चीज़ ढक लेना है अपनी ज़रूरत के अनुसार। सो मैंने ये ढक दिया है और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। अब 10 मिनट के बाद ये देखो पिघलना स्टार्ट हो चुकी है चीज़, लगभग अभी तैयार होने वाली है अपना पिज़्ज़ा। सो 5 मिनट के बाद तैयार पिज़्ज़ा हो जाएगा। अभी और थोड़ा सा पिघलने देते हैं। ये देखो रेडी हो चुका है पिज़्ज़ा, ऊपर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज डाल दिया है, बच्चों को मेयोनीज बहुत पसंद है। सो इसके ऊपर मैंने सजा के रख दिया है। ये टेस्टी पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, होममेड टेस्टी पिज़्ज़ा 10 मिनट में रेडी हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय श्री कृष्णा।